What's up guys, this is Guru Maan. ये है गुरु मान फिटनेस। आज मैं आपको गुरु मान फिटनेस के ऊपर बताने जा रहा हूँ ब्रोकली के बारे में। मेरे पास यहाँ पर है ब्रोकली सुपर फूड, बहुत पावरफुल वेजिटेबल है, उसके बारे में आपको आज इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ब्रोकली लगभग गोभी जैसी लगती है, देखने में हरे रंग की होती है, गोभी का रंग क्रीम होता है, वाइट होता है। ये बिल्कुल एक ही फैमिली है, गोभी और ब्रोकली एक ही फैमिली से है। एंड तो लेकिन हेल्थ बेनिफिट जो है वो अलग है। वेल, ब्रोकली इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेजिटेबल, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। आपको मालूम रहेगा विटामिन सी हेल्प्स टू बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ब्रोकली के अंदर जो कैलोरीज है वो बहुत ही लो होती है। लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन, 3 ग्राम प्रोटीन है लगभग 3/4 कप के अंदर, मतलब एक कप के अंदर लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होगा। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 4 ग्राम है, उसके अंदर 2 ग्राम फाइबर है। इसके साथ इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, यू नो, विटामिन बी, बहुत सारे जिंक्स, मतलब बहुत सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स एडेड है, क्योंकि ये कंप्लीट वेजिटेबल है। जब हम इसको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फूड के साथ ऐड करते हैं, मतलब जब हम चिकन और राइस के साथ इसको ऐड करते हैं, तो ये हेल्प करता है हमारी डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। जो हम प्रोटीन कार्ब खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसके अंदर सारे प्रेजेंट है। बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस लाइफस्टाइल में हर कोई लेता है मेरे ख्याल से। आप किसी भी रैंडम फिट गाय का अगर आप डाइट प्लान चेक करें तो उसकी डाइट के अंदर लंच या डिनर में ब्रोकली जरूर होगी। इसको जब लोग गोभी की तरह कुक करते हैं इंडिया में, आपने वैसे कुक नहीं करना, आपने इसको स्टीम करना है या आपने इसको बॉयल करना है, या आप थोड़ा सा पैन फ्राई कर सकते हैं, 3 ऑप्शन है, बेक भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको कढ़ाई में, जिस तरह से गोभी 15-15 मिनट हम रखते हैं उसके ऊपर, उस ऑयल के साथ, उस टेम्परेचर के साथ, जब हम न्यूट्रन को कुक करते हैं वेजिटेबल्स को, तो आधे से ज्यादा न्यूट्रंस मैंने अभी बोले हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विटामिंस मिनरल्स, तो आपको कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ पेट ही भरते हैं। वो जो आपको चाहिए एब्जॉर्प्शन के दौरान, और बहुत सारे बेनिफिट अभी आपको बताऊंगा, वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमको प्रॉपर फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता। जब आप कुक करते हैं ब्रोकली को, बॉयल कर सकते हैं जिस तरह से आप अंडे बॉयल करते हैं, उसी तरह से स्टीम कर सकते हैं, माइक्रोवेव में थोड़ा स्टीम कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या पैन, फ्राई पैन के अंदर एक कप ब्रोकली डालकर स्मॉल स्मॉल चॉप करने के बाद उसको 3-5 मिनट तक कुक करें, ज्यादा नहीं, और दैट्स इट। तो ये कुकिंग तो ये होगी। अब बात करते हैं इसका और क्या क्या फायदा है। एब्जॉर्प्शन में आपको बताया, एब्जॉर्ब प्रॉपर आपकी हेल्प करता है, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर है जो आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता, सो इसका मतलब इसमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन आपकी बॉडी के इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देगी अगर आप साथ में और फूड ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो आपकी बॉडी को बीमार करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट बनते हैं तभी आप बीमार होते हैं, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आप बीमार कम होंगे या बीमार नहीं होंगे, तो आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है जो विटामिन सी है इसके अंदर, और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट बनते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है एंटीऑक्सीडेंट। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटोरी भी है बहुत ज़्यादा, मतलब है कि जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर बनती है, पेन होती है जब, चाहे वो पेन इंजरी से होती है, चाहे वो पेन मसल सोरनेस से होती है, जो अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है जलन, चाहे किसी इंजरी से, तो उसको कम करने में ये मदद करता है। तो इंजरी के दौरान, किसी तरह की इंजरी हो आपको, ब्रोकली अपनी डाइट में ऐड करें, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी के अंदर बनती है। उसके बाद इसके अंदर डीटॉक्सिफिकेशन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन बनते हैं उसको डीटॉक्सीफाई करने में मदद करते हैं। टॉक्सिन आपको मालूम है, गलत खाने से, धुएं से, पोल्यूशन से, जंक फूड से, बैड ऑयल से, स्मोक से टॉक्सिन बनते हैं,
तो ये हेल्प करता है, ब्रोकली हेल्प करती है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटोरी, इसके साथ कैंसर की जो प्रॉब्लम है लोगों के हो, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, चाहे फर्स्ट स्टेज में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, उनके उस प्रॉब्लम को क्योर करने में मदद करती है। सो कैंसर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ठीक करने में, प्रिवेंट करने में। सो जिस तरह से आपको कोलन कैंसर है, यू नो, बहुत लोगों को ब्लैडर कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, यू नो, सो प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस कैंसर को रिड्यूस करने में ये मदद करती है। जब किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, डाइटिशियन से मिलें, तो वो आपको ब्रोकली आपकी डाइट में ऐड करेगा। ग्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस कैंसर के दौरान। जितना ज़्यादा ग्रीन आपकी डाइट में हो, चाहे वो स्पिनच है, चाहे वो आपकी ग्रीन लीव्स है, चाहे वो ग्रीन बीन्स है, चाहे एस्पेरागस है, चाहे वो ब्रोकली है, या ग्रीन, चाहे ग्रीन बेल पेपर है, ये हेल्प करता है आपकी उस एंटी कैंसर फूड बोल सकते हैं आप। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो जब आप लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ करते हैं डाइट के दौरान, वर्कआउट के दौरान, तो उसके अंदर जो कैफीन होती है, अगर आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6 बजे एक्सरसाइज की, 5 बजे की या 7 बजे की, जो कैफीन आपकी बॉडी के अंदर है, उसको निकालने में, फ्लश करने में बहुत मदद करता है। सो कैफीन अगर आपके सिस्टम के अंदर है, तो सोने में दिक्कत आती है आपको रात को, तो स्लीपिंग ट्रबल, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प, ताकि वो जो कैफीन आपकी बॉडी के अंदर है, अगर आप डिनर में, एक्सरसाइज के बाद डिनर करते हैं जो, उसमें अगर ब्रोकली ऐड करें, तो वो जो टॉक जो आपके अंदर कैफीन लेवल है, उसको फ्लश करने की कोशिश कर रहा, ताकि आप आराम से सो सकते हैं, सो स्लीपिंग ट्रबल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कैफीन बॉडी से गेट रिड करने में बहुत मदद करती है। सो बहुत सारे बेनिफिट, मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं। 1 कप सर्विंग आप 1 से 2 कप दिन में ऐड करें, और चाहे मसल बिल्ड कर रहे हैं, चाहे फैट लॉस कर रहे हैं, चाहे आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, कैंसर, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर, इट्स फॉर एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल वेजिटेबल है, अपनी डाइट में ऐड करें। कैसे कुक करना है, मैंने बोला आपको, स्टीम कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या पैन फ्राई कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, दिस इज गुरुमान, टेक केयर, ओवर एंड आउट, बाय।